सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। तो बच्चे तैयार होके जा रहे हैं स्कूल, स्कूल जा रहे हैं। तो चलो जाओ, चलो चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बाय बाय बेबी। तो ये अब्बास लोग जा रहे हैं स्कूल, बाय 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 बाय। तो ये सुबह और थोड़ी सी धूप निकली है और बहुत ही अच्छा मौसम है आज भी, अभी तो अच्छा है बाद में पता नहीं। तो ये है हमारा मोहल्ला, बच्चे चले गए, हाल तो ठंडा है क्योंकि अब्बास टोपी और स्वेटर दोनों पहन के गया है और मुझे मेरी हाईनेक पहना है। तो ये चले गए बच्चे। तो हमारी सुबह का आगाज़ होता है सहरी मैंने अकेले ही की और बच्चों को जो है नाश्ता वाश्ता तैयार करा के जो है भेज दिया है और अब मैं अपने काम करूँगी, या तो एडिटिंग करूँगी या घर के काम कर लूँगी। तो इस तरह से मेरे दिन का आगाज़ हुआ। तो यहाँ पर बच्चों को जो है मैंने नहला लिया है क्योंकि कल जो है मैंने नहीं नहलाया था क्योंकि सर्दी थी बहुत, और ये मैंने फ्राइज़ बना के दिए हैं तो ये लोग फ्राइज़ खा रहे हैं और साथ में प्याज भी खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों को नहला लिया है और ये जो है सर्दी अभी भी इनको लग रही है लेकिन कल बहुत थी तो इस वजह से मैंने कल नहीं नहलाया और आज नहला लिया। तो ये यहाँ पर ये लोग फ्राइज़ खा रहे हैं और वहाँ और यहाँ पे हमारी जिमल बेबी भी उठ गई है, जिमल बेबी भी उठ गई है, जिमल भी उठ गई है। ये लो ये लो ये लो ये लो, जिमल भी उठ गई है, मेरी जान भी उठ गई है, जान भी उठ गई है। और साथ में जो है और प्राइस बना ली क्योंकि वो कम पड़ गए, तो ये मैं उनके लिए जो है और बना ली क्योंकि बेचारे स्कूल गए थे तो बहुत भूख लगी है उनको। और यहाँ पे ये रही हमारी जिमी बेबी, जिमी। तो यहाँ पे मैं जो है 2 कप मैदा लूँगी, तो ये मोमोज बना रही हूँ उसके लिए जो है मुझे 2 कप मैदा चाहिए। मैदा हो गया हमारा, फिर हम इसमें नमक डालेंगे एज अ टेस्ट, जितना आपको चाहिए मतलब जितना आपका मैदा है उस हिसाब से आप चाहिए। अगर आप घर में ज़्यादा खाया जाता है तो आप ज़्यादा ले लें, बस अपने हिसाब से जो है आप इसमें जो है नमक डाल लें। फिर जो है हम इसको जो है गूंदेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे इसको, हम साथ में पानी भी मिलाते जाएंगे और इस तरह से इसको हम गूंदेंगे कि ये हमारा बैटर जो है सॉफ्ट और हार्ड ना हो, बस नॉर्मल सा बैटर हम बनाएंगे। तो निदा की फरमाइश थी कि बनाए मम्मा बनाए, 3 दिन से ये लगी हुई थी लेकिन मुझे जो है वो चिकन का कीमा नहीं मिल रहा था, तो आज मैं गई हूँ और चीज़ें लाई हूँ तो बस आज जो है मैंने कहा चलो आज मैं बना ही लूँ। तो आज 5th रमज़ान है और खैर से जो है आज हमारा 5वां रोज़ा है, तो बहुत ही अच्छा गुजर रहा है रमज़ान अभी तक, तो बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रहा है, मतलब मुझे तो फील ही नहीं होता कि कहीं मेरा रोज़ा भी है। रात सहरी में जो है मुझे देर हो गई थी, मतलब मैं सोई हुई थी, मुझे पता ही नहीं, अलार्म मैंने लगाया हुआ था लेकिन वो बजा ही नहीं, तो बस फिर मेरे देवर ने जो है कॉल की, वो लोग ऊपर ही रहते हैं तो उन्होंने कॉल की कि अभी तक सोई हुई है, तो फिर मैं उठी हूँ अपने लिए सहरी बनाई है और बस फिर मैंने कर ली है। तो ये इस तरह से है, इसको हम नीट करेंगे अच्छा सा, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, बस अच्छी सी बना लेंगे हम। तो बस ये निदा और अब्बास की फरमाइश, तो उसके आगे तो बस मैं मेरी नहीं चलती उनके आगे। तो इस तरह से मैं सारा ये कर लूँगी, तो बस ये लास्ट पानी है और पानी में नहीं डाल रही क्योंकि अगर मुझसे ये सॉफ्ट हो गए ना तो वो फिर नहीं सही होगा। जी बेबी, सॉन्ग गा रही है, सॉन्ग गा रही है। तो अब्बास जो है ट्यूशन से आ गया है और हीरा के साथ जो है लगा हुआ है, उसके साथ खेल रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है, फिर दोबारा भी मैं एक दफ़ा नीट करूँगी इसको। पेपर है मेरे पास तो इसको जो है इसमें मैं रेस्ट के लिए रखूँगी, तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे और इस तरह से इसको हम
इसको अच्छी तरह से हम बंद कर लेंगे ताकि ये रेस्ट हो जाए। तो ये इस तरह से ये रेस्ट हो जाएगा हमारा। तो इसको हम रखते हैं। तो ये मोमोज़ के लिए मैं जो है कीमा ले लूँगी। वैसे तो लोग सिर्फ कीमा ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसमें जो है वेजिटेबल भी डालूँगी। तो सबसे पहले मैं जो है कैबेज डालूँगी, जो मैंने बहुत ही चॉप किया हुआ है। इस तरह से आपने बिल्कुल चॉप इसमें जो है वेजिटेबल डालने हैं। तो सारा टाइम चॉपिंग में लगता है। तो ये इस तरह से मैंने कैबेज डाल ली। फिर जो है मैं कैप्सिकम डालूँगी इसमें। इसके बाद जो है मैं अनियन डालूँगी, ग्रीन अनियन ये मैंने डाली है। तो इस तरह से ये मैं ग्रीन अनियन डालूँगी। और फिर यहाँ पे मेरा आ जाएगा कोरिएंडर। तो ये कोरिएंडर मैं ले लूँगी, धनिया ये ले लूँगी। फिर इसके बाद जो है मैं हरी मिर्चें ले लूँगी, तो वो मैं डालूँगी। ये नमक हम डाल लेंगे, सॉल्ट एज अ टेस्ट, जितना आप के इंग्रेडिएंट्स है उस हिसाब से आप डाल लें। उसके बाद जो है बस हम इसमें जो है तिल डालेंगे। फिर इसके बाद जो है मैं ब्लैक पेपर इसमें डालूँगी। तो ये ब्लैक पेपर है। और इसके बाद जो है मैं वाइट पेपर इसमें डालूँगी। तो इसमें वाइट पेपर चला जाएगा। तो ये इस तरह से वाइट पेपर। तो लास्ट के जो इंग्रेडिएंट होंगे उसमें जो है मैं ये सोया सॉस डाल लूँगी, सोया सॉस डालूँगी। और उसके बाद जो है इसमें मैं ऑयल भी डालूँगी। तो ये जो है मैंने सोया सॉस डाली 2 टेबल स्पून के करीब। तो सबसे लास्ट में इसमें जो है सिसम सीड ऑयल में डालूँगी, तिल का तेल में डालूँगी। तो ये 1 टेबल स्पून के करीब मैं डालूँगी, या 1/2 डाल दूँगी, बस 1/2 में डाल लूँगी ये। और इसको जो है अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। तो इस तरह से हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। और साथ में जो है हमारा ये भी रेडी हो गया है। तो इसको जो है हम रखते हैं और थोड़ी देर रेस्ट के लिए दोनों को रखते हैं, फिर उसके बाद हम बनाएंगे। तो इसको मैं ढक लूँगी और दोनों रेस्ट के लिए मैं रख दूँगी इसको। तो ये हमारा बैटर है जो मैंने बनाया था। तो इसको हम खोलते हैं और देखते हैं। तो इसको 1 घंटा आपने रेस्ट देना है। तो इसको जो है मैं खोलती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है। तो इसको हम और बेलते हैं ताकि ये जो है लंबा हो जाए। तो इसके हम 2 पीसेस करते हैं। तो इसके जो है हम 2 पीसेस कर लेंगे। तो एक जो है मैं इस रैपिंग पेपर में जो है इस तरह रैप करके रख लूँगी ताकि ये हमारा इसी तरह से जो है सही रहे। और इसको जो है हम इस तरह से ताकि हमारे छोटे छोटे से जो है पेड़े बन जाएं। यह कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। इसको जो है अब हम काट लेंगे और अपने छोटे छोटे से जो है हम मोमोज के लिए छोटा छोटा इसको काट लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे आ जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारे सबको जो है मैं रखूंगी। तो ये इस तरह से हमारे सारे रेडी हो गए हैं इस तरह से। तो मैं एक को ले लूँगी और सब को जो है मैं इसमें रख लूँगी। तो इन सब को जो है हम इसमें रख लेंगे, साइड पे कर लेंगे और सिर्फ एक हम ले लेंगे। तो इसको हम बेलेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से मैंने बेल लिया है। तो मेरे पास ये एक मोल्ड है। तो इसकी मदद से जो है मैं बनाऊंगी सारा। तो इजी हो जाएगा मेरे लिए और आसानी होगी। तो इस तरह से जो है ये मेरा मोल्ड है, इस पे जो है मैं इसको रखूंगी। इस अपने पूरे जितना मैंने बेला है सारे को मैं रख लूँगी। और दरमियान में जो है
मैं थोड़ा सा जो मैंने बैटर बनाया है, ये जो मैंने बैटर बनाया है वो मैं डाल लूँगी। तो इसको दरमियान में थोड़ा सा मैं ले लूँगी और इसको जो है बंद करेंगे। और तो ये हमारे इस तरह से रेडी हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे रेडी हो गए। तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गए। तो इस तरह से मैं सारे बना लूँगी अपने, क्या है इसको जो है इस मोल्ड में मैं रखूँगी। तो इसमें मैं रखूँगी और एक चम्मच ही मैं बैटर ले लूँगी। तो ये एक ही चम्मच मैं लूँगी, छोटा सा चम्मच लूँगी मैं, और इसको हम बंद करेंगे। तो इस तरह से दबाएंगे इसको और फिर इसको खोलेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। फिर हम इसको जो है ऐसे करेंगे ऐसे। तो ये हमारा बिल्कुल अच्छा सा मोमोज बन जाएगा। तो इस तरह से, तो ये हमारे बन गए हैं। तो इस तरह से मैं सारे बना लूँगी अपने। तो इस तरह से मैंने जो है सारे बना लिए। तो लास्ट में जो है मैं आप लोग को बता देती हूँ जो मैंने शेप के बग़ैर बनाया है। तो इस तरह राउंड बनाएंगे और फिर इसके दरमियान जो है जो मैंने हमने बैटर रेडी किया है वो हम डालेंगे ऐसे इतना सा। इसको जो है हम बंद करेंगे। तो मुझे तो ये इजी लगा, मोल्ड से ज़्यादा जो है ये मुझे इजी लगा। इसको जो है इस तरह से साइडों से हम बंद करेंगे। तो ये हमारा बंद हो गया है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसको हम दबाएंगे, जब ये दब जाए तो इससे जो है हम ऐसे हम करेंगे। तो ऐसे ऐसे करेंगे, आगे जाएंगे ऐसे। तो ये इस तरह से हमारा हो जाएगा। फिर नीचे से हम दबाएंगे तो ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसा हमारा बन जाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे बन के आ जाएगा। हम ऐसे की रख लेंगे जो चिकन कीमा है हमारा, इसको हम बंद करेंगे दरमियान में से जो है बंद कर लेंगे इसको। और फिर इस कोने से हम शुरू करेंगे, दबाएंगे, ये जब हमारा दब जाए तो इस तरह से आगे जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आगे आगे जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको अब हम दरमियान से दबाएंगे ऐसे। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे हमारा रेडी हो गया है। इसको बस अब मैं जो है स्टीम दे देती हूँ। और जो मोल्ड भी बनाए हैं वो कुछ ऐसे हैं। तो ये मेरे पास एक देचकी आ गई जिसका जो है फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। तो ये देचकी आ गई, इसमें जो है मैं पानी डालूँगी। तो ये मैं पानी डाल लूँगी। फिर ये मेरे पास एक स्टैंड है तो इसको मैं रख दूँगी। इसको मैं दरमियान में ग्रीस करेंगे ताकि हमारा जो मोमोज है वो चिपके नहीं। आप इसको मोमोज कह ले, आप इसको डम्पलिंग कह ले। तो मैंने जो मेथड, मतलब जो फिलिंग मैंने की है, तो ये नेपाल वाले जो है, नेपाली लोग जो है इस तरह से फिलिंग करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा स्प्रे हो गया है। तो अब हम सारे मोमोज अपने रखते जाएंगे इस पर। तो इस तरह से मैं अपने सारे रख लूँगी इस पर। तो ये हमारे सारे हो गए हैं। इसको जो है अब मैं ढक्कन रख दूंगी और इसको जो है मैं पकने दूंगी। तो इसको जो है 10-15 मिनट के बाद मैं देखूंगी। तो एक तो मैंने ये वाली शेप रेडी की है और स्टीम के लिए भी मैंने रख दी है। एक ये वाली शेप मैंने की है और एक मैंने ये वाली शेप की है। तो ये इस तरह की शेप है। तो मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये इस तरह, तो ये राउंड है। इसके दरमियान में हमने थोड़ा सा कीमा रख लिया। इसको जो है हम इस तरह से बंद करेंगे, इस तरह से दबाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से बंद हो। तो ये हमारे बंद हो गए। अब इस साइड को लें, इस साइड को पकड़ेंगे इस साइड को, और दोनों को आपस में ऐसे मिलाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से ये रेडी हो जाएगा ऐसे।
इसके दरमियान जो है मैं कीमा रख लूँगी। इसको अब हम बंद करेंगे। तो ये इस तरह से सारा रेडी हो गया समोसे की तरह। अब ये साइड लेंगे, ये लेंगे, इन दोनों को हम इस तरह से जोड़ेंगे तो ये हमारा ऐसे रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, तो इसका ढक्कन मैं हटाती हूँ तो ये कुछ इस तरह से रेडी हो गए हैं। आई थिंक इट्स डन। तो इसको मैं जो है निकालती हूँ। तो ये इस तरह से कुछ रेडी हो गए हैं। तो ये कुछ इस तरह से पक गए हैं। इसको जो है मैं निकालती हूँ और यहाँ हम रखेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए। तो ज़बरदस्त बने हैं। तो ये कुछ इस तरह से बने हैं हमारे। तो ये सबको मैं निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडे हो जाए। तो ये जब ठंडे होंगे ना तब इनका सही पता लगेगा। और अपनी सेकंड लेयर जो है वो मैं रख दूंगी इसको निकालने के बाद। मोमोज रेडी हो गए हैं। अब मैं मोमोज के लिए जो है सॉस बनाऊंगी। तो सॉस के लिए जो है सबसे पहले जो मैं यूज़ करूंगी, उनके गरीब चिली फ्लेक्स ले लूंगी। चिली फ्लेक्स ले लूंगी, उसमें जो है फिर मैं बिल्कुल गरम जो है गरम ऑयल डालूंगी जो बिल्कुल गरम हो ताकि हमारे जो ये चिली फ्लेक्स है ये बिल्कुल पक जाए। तो ये इस तरह से आवाज़ आनी चाहिए। तो ये हमारे जो है ये बस हो गया है। इसमें जो है अब मैं सॉस डालूंगी। तो उसमें जो है सबसे पहले मैं चिली सॉस डालूंगी। तो ये हमारा चिली सॉस चला जाएगा। शुगर भी इसमें डालते हैं लेकिन वो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर मैं नहीं खा सकूंगी। तो ये फिर मैं सोया सॉस डालूंगी। तो इस तरह से इसका जो है सॉस बना। तो इसका जो है ये मैंने सॉस बना लिया है। तो ये इस तरह से इसका ये सॉस बन जाएगा। आप इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, सिसमी ऑयल भी डाल सकते हैं, सिसमी सीड भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया है। तो ये इस तरह से मम्मी मुझे पसंद नहीं, हमारे मोमोज रेडी हो गए। मम्मी मुझे मोमोज पसंद नहीं। तो ये इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। तो ये मैं बाहर गई तो मुझे ये मिर्चें दिख गई तो मैंने ये भी ले ली। मैंने कहा चलो इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो बहुत मज़े की लगती है, मतलब जब ये पकते हैं और वो समोसा वाला के साइड से मैं गुजरती हूँ ना तो मुझसे रुका नहीं जाता और मैं ले के ही मतलब आती हूँ इसको। तो इसको जो है मैं सबसे पहले साफ़ करूँगी। दरमियान से हम कट लगाएँगे, दरमियान से कट लगाएँगे इसके, ज़्यादा नहीं खोलेंगे, हमें ऐसे बंद बंद ही चाहिए। तो ऐसे करेंगे और इसके जो अंदर से जो भी बीज है ना वो हम निकाल लेंगे ऐसे। तो उसको हम निकालेंगे ऐसे और अपने सारे मिर्चों को हम साफ़ कर लेंगे ऐसे। तो ये इस तरह से हमें साफ़ सुथरी चाहिए। तो इन सबको हम साफ़ करते हैं। खुल गई। तो इस तरह से मैंने सबके जो है बीज निकाल लिए हैं। इस तरह से सारे मेरे साफ़ हो गए हैं। ये देखें सारे इस तरह से साफ़ हो गए हैं। अब जो है इसका मैं मसाला रेडी करूँगी। तो उसके लिए जो है सबसे पहले मैं एक ये लूँगी, उसमें जो है ये हमारा अचार गोश्त का मसाला आता है नेशनल का, तो वो मैं डालूँगी इसमें। तो इसमें मैं पहले ये डालूंगी, तो ये मसाला डालूंगी। अब ये मेरे पास जो है लेमन जूस है तो ये मैं इसमें डाल लूंगी।
और इसको हम मिक्स करेंगे तो बड़े ही मज़े की होती है। जो भी मिर्ची लवर है ना, वो ज़रूर इसको जो है ट्राई करे, बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो इस तरह से ये मेरे पास रेडी हो गई है। इसको जो है मैं इसमें अब फिल करूँगी, ऐसे एक एक चम्मच इसमें डाल के जो है इसको मैं फिल करूँगी। फिर आगे और मैं बैटर बनाऊंगी, वो भी बताऊंगी। इस तरह से हम सब में जो है फिल कर लेंगे। तो ये मिर्ची हमने भर ली है सारे। अब इसके बेसन लूंगी, इसमें जो है मसाले जाएंगे। तो मसालों में जो है सबसे पहले इसमें जो है नमक जाएगा। तो ये मैंने नमक डाल लिया है इसमें। अब इसमें जो है मैं धनिया पाउडर डालूंगी, तो वो हाफ टीस्पून के करीब, जितना आप बेसन लेंगे उसके हिसाब से ये होगा। फिर उसके बाद जो है मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी हल्का सा। इसके बाद इसमें जो है हल्दी जाएगा, तो ये मैं हल्दी डाल रही हूँ। और थोड़ी सी लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ये थोड़ी सी लाल मिर्च। और इसके बाद हमारा जाएगा, इसमें मैं बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा सा ले रही हूँ क्योंकि मेरा बेसन बहुत कम है। तो ये मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे और थिक सा बैटर बनाएंगे, ज़्यादा मतलब पतला नहीं बनाएंगे हम, थिक सा बनाएंगे ताकि ये जो है मिर्चों पे चिपके। तो ये ज़्यादा ही थिक है, थोड़ा और पानी डालते हैं हम इसमें और इसको अच्छा स्मूथ सा बना लेते हैं। स्मूथ सा बनाएंगे, बिल्कुल हमारा सही बना है, तो इसी तरह हमें चाहिए। बस ये हमारा रेडी हो गया, इसको फिर हम बनाते हैं तवे का। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो गया है, तो यहाँ पे जो है मैं ये मिर्च बनाऊंगी, मसाले वाली जो मैं मिर्चें बना रही हूँ। तो ये जो मैंने बैटर रेडी किया है और ये मैंने जो मिर्चें फिल की है, ये इसमें मैं डिप करूँगी ऐसे। ये ऐसे मैंने डिप की और फिर यहाँ पर जो है ऑयल में मैं इसको डाल दूँगी। तो इस तरह से जो है मैं सारे डिप करूंगी और ऑयल में डालती जाऊंगी ताकि इस पे जो है एक लेयर सी बने। तो ये इस तरह से सारे मैं कर लूंगी। अफ्तारी जो हम कर रहे हैं, तो देर भी हो गई है और ये सारे जो है अब्बास के लिए रोल बने हैं क्योंकि वो मोमोज नहीं खा रहा है। तो ये जो है ये सारी हमारी अफ्तारी है। मैंने उठा भी दिया। तो नहीं रखा बेटा, मुझे तो नहीं चलाता, मुझे ज्ञान ही नहीं आता। देखो ये कान आ रहा है यार, मुझे कान नहीं आ रहा। तो मैं भी काके बताते हैं, आप करो तो नहीं है क्या? तो ये इस तरह कुछ बने। आज निदा ने अपने स्टिक भी यूज कर लिए हैं, तो वाव निदा यम्मी है, निदा मजे के बने। स्टिक दिखाओ अपने। तो ये इसके पापा लेके आए थे, जो उसके फ्रेंड ने इसको इनको गिफ्ट किया था। तो इस तरह से ये हमारा सारी अफ्तारी।
तो यहाँ पे हमारी अफ्तारी हो गई है। अब्बास आपको मज़ा आया? हाँ। मोमोज नहीं खाया अब्बास ने? क्यों नहीं खाया अब्बास? पसंद नहीं। पसंद नहीं है तो ये गंदम खा रहा है और ये सारा हमारा खाना हो गया है ख़त्म। और निधा मेरे लिए चाय बना रही है, तो मैं इतनी मसरूफ़ थी कि मेरी जिमी बेटी जो है ये ऐसी लेटी रही। तो ये बच्चों ने इसको लिटाया है और ये बिचारी ने सो भी गई है। मेरी जान, मम्मा की जान। तो निधा मेरे लिए ले आई है चाय। तो इस तरह की चाय कुछ बनाई है निधा ने? जिली हो ना। तो इस तरह से चाय आई है मेरी। तो इसी चाय के साथ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज बेबी, अल्लाह हाफिज। तो जिमल की तरफ से बाय बाय, अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।